इस स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ओके सो हम थर्ड यूनिट चल रही है हमारी, तो हमने एज प्लानिंग की जो यूनिट है उसको कर रहे थे, तो दीज आर अवर विजन एंड मिशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो देर आर फोर मिशंस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस दैट फुलफिल द पाथ टू विजन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। और टू फुलफिल दिस विजन एंड मिशंस वी हैव विजन एंड मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो, the vision of mechanical department, then there are three missions of department of mechanical engineering. If we fulfill this mission, so our vision can be accepted. Or so these are the learning outcome of our subject. So now we are in our third unit, or the today's lecture we will cover this learning outcome: identification of problem associated with function of management and organizing, problem associated with planning or decision making. Okay, so just waiting. एक मिनट, ये स्लाइड दूसरी आ गई। Okay, so these are vision and mission of institution. These are vision and mission of Department of Mechanical Engineering. These are learning outcomes of our subject. So this is today's content for this lecture. Basically, today's lecture is based on decision making, that how we take decisions between many alternatives. So there are basically three main parts. First is definition of decision making. What is decision? What is decision making? Then decision making process or steps that are involved for any decision. Then factor influencing the decision making. Ki kaun kaun se jo factor hain that will be affecting the decision making. Okay. So as you can see, there is a picture on your screen. So here a people is standing. He has five different ways to proceed. So this person have to take decision on which path he would choose so that he will reach to the his destination. So decision making is very important in also in our day to day life, and in some management aspect when a manager has to decide something, that what would be the course of action for upcoming or to achieve the objective of organization. Okay, so what is decision making? Decision making can be regarded as the mental process resulting in the selection of a course of action among several alternatives. Every decision making process produce a final choice
the output can be an action or an opinion or a choice. So क्या है बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हमें कुछ प्रोसेस करनी है जो हमें क्या करती है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, नंबर ऑफ चीजें हैं, उनमें से कोई एक चीज हमें डिसाइड करना है तो जो फाइनल चॉइस करते हैं. डिसीजन क्या हो सकता है, डिसीजन एक आउटपुट भी हो सकता है और एक ओपिनियन भी हो सकता है. लाइक आप खुद के लिए डिसीजन ले रहे हो कि आई विल परचेज दिस मोबाइल और आपने उसको परचेज किया, ये तो है आउटपुट. किसी दूसरे को आपने ओपिनियन दिया, मतलब डिसीजन लेने के बाद कि ये पांच या दो या तीन मोबाइल हैं, इनमें से आप ये वाला परचेज कर लीजिए, तो दैट इज ओपिनियन ऑफ चॉइस. ओके, सो नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ लगता है, क्या चीज है? तो डिसीजन मेकिंग एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन मैनेजमेंट, सिंस डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव बाय सच प्रॉब्लम. सो पूरी ऑल ओवर इंटरप्राइजेज, यानी कि टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट, हर किसी को डिसीजन लेना पड़ता है और कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है. तो इट कवर्स ऑल द एरियाज ऑफ एनी इंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड थिंग इज जो ट्रेंड में है या जिसको हम बोल सकते हैं, हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो मैनेजमेंट है उसमें वर्ड साइंटिफिक ऐड करते हैं, तो इसी तरीके से साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इज वेल ट्राइड प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल चॉइस फॉर ए सोल्यूशन विद ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें क्या होता है, आपने जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक मेथड जोड़ते हैं, जैसे कि स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस जोड़ते हैं, हम उसमें आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, इनपुट क्या जा रहा है, कुछ टेक्निकल वैल्यूज के साथ उस आउटपुट को हम मेजर करते हैं किसी प्री स्टैंडर्ड्स के साथ. और इस तरीके से अगर हम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को करते हैं तो वो साइंटिफिक होता है. एक क्या होता है कि आपने यू हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम टू और थ्री अल्टरनेटिव, तो आपको किसी ने बोला कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, आपने दो तीन चार लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की और आपने एक डिसीजन ले लिया. एक तो डिसीजन मेकिंग वो होती है, एक क्या होती है कि आपने देखा कितना इनपुट लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिएंगे, क्या प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा, फिर उससे क्या कितना आउटपुट मिलेगा, किसको क्या लोकेट करना है, क्या करना है. अगर इस तरीके से आपने उसके अंदर एड ऑन कर दिया चीजें और फिर उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया है, सो दैट इज साइंटिफिक डिसीजन. So, what is decision making? So, वही decision making is a process of making choice between number of option and committing to future course of action. आपको जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया था क्या होगा, आपको number of choices हैं, उसमें से कोई एक choice choose करना है, जिसमें से हमें future में क्या करना है उसका पता चलेगा. Okay, so definition क्या है, decision क्या है, making a choice from two or more alternative. Decision making की definition क्या है, as if question comes in exam, so agar aapko likhna hai decision making, so you have to start with writing definition, any of the definition. There are number of people who define decision according decision making according to them in various books. So aap koi bhi ek ya do yaad kar lo, jabki agar exam mein question aata hai to aapko likhne ke liye. So according to MacFarlane, a decision is an act of choice wherein an executive forms a conclusion about what must be done in a given situation, and a decision represents the behavior chosen from a number of possible alternatives. जो हमने बात की वो इन्होंने बोला है कि कोई एग्जीक्यूटिव और मैनेजर है, वो कुछ कंक्लूजन बनाता है कि करना क्या है सिचुएशन के बारे में, और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव में से जो एक है वो लेते हैं. ओके, सो यहाँ तक मतलब आ रहा है समझ में? यस सर. हाँ ओके, सो बीच बीच में रिप्लाई करते रहना तो मुझे पता चल जाए कि नेटवर्क मतलब ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, की डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होना चाहिए. सो बेसिकली सिक्स जो है डिसीजन मेकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो फर्स्ट वन इज, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे वही थी कि नंबर ऑफ चॉइसेज आपके पास, कि क्या करना है उसमें से कोई एक चॉइस लेनी है. ठीक है, सो डिसीजन इज द एंड प्रोसेस प्रोसीडेड बाय डिलिब्रेशन एंड रीजनिंग. सो यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट की टर्म में या
सब्जेक्ट की टर्म में और किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो वो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिसीजन है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने का, उसके बारे में कैलकुलेट करने का, उसके बारे में रिसर्च करने के बाद जो फाइनल डिसीजन लेना है वो, यानी कि एंड प्रोसेस है, जो थॉट्स हैं जो भी दिमाग में आ रहे हैं उन थॉट्स का एक एंड प्रोसेस है कि आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज ए फोकल पॉइंट एट विच प्लान्स पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड इनटू कॉन्क्रीट एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं कि जो अपन ने प्लानिंग में डिस्कस किया था कि कंपनी क्या करती है, वेरियस प्लान्स बनाती है, कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमने स्टडी भी किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में MBO कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, फिर सब ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, और जो पॉलिसीज है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, और या जो कोई पॉलिसी अगर अप्लाई करनी है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, तो वो कॉन्क्रीट जो एक्शन देगा, ठीक है। रैशनैलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो रैशनैलिटी का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हमने दो, हम कंपैरिजन करते हैं, बेसिकली रैशनैलिटी ये होता है कि आप उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर रहे हो, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें पता ही है कि ह्यूमन का नेचर है वो क्या करता है कि जो उसने कोई पास्ट में कोई डिसीजन लिया है या कुछ उसने कोर्स ऑफ एक्शन किया तो उसके याद रहता है, फिर उसको ये पता रहता है कि उसके लिए क्या करना है, और वो पुराने जो फैक्टर हैं उनसे ये सोच थोड़ा ये देख लेता है कि ये वाला जो चॉइस है इसमें ये गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। सो जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉई है, जो भी मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो कमिटेड होनी चाहिए। रीजन एक तो क्या है कि अगर डिसीजन मेकिंग में कंपनी के साथ अगर जो भी डिसीजन लेने वाला है ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ा हुआ है, अगर उस पर कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के विद रिलेटिव, तो इट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंसर्न, तो ये स्टेबिलिटी देता है जो भी काम हम करें। सेकंड, एवरी डिसीजन टेकन बिकम पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि जब एक पर्सन अगर कमिटेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, अब वो जो भी डिसीजन लेगा वो अपने आप में क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, कस्टमर है, तो वो उन सब के लिए जो उनकी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल करने में पूरा आएगा, ठीक है। द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एम। तो मेन पर्पज है, जो सोल पर्पज वही है जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और एम जो भी बनाए हैं उसको पूरा करने में काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेप। डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंज दिस प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स। समटाइम्स यू सी इन बाय सम मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल पीपल इट इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप, sometime it is into 5 steps. So basically when 6 and 5 comes, sometimes 2 of them are combined. So yahan par hum discuss karenge thoda matlab samajhne ke liye ki detail mein kya hai. So humne isko 8 steps mein liya hai. So first thing first is ki identifying the problem. सो डिसीजन मेकिंग का क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको पहले ये फाइंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। सपोज प्रॉब्लम किस तरीके से, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, like आप कोई वर्क कर रहे हो तो कोई मशीन का फेलियर है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कोई कस्टमर बाजार में डिमांड नहीं आ गई, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रोडक्ट है जो बाजार में पहले से बिक रहा है लेकिन उसके अंदर जो कस्टमर है वो उनकी कंप्लेंट्स आ रही है, तो उस कंप्लेंट्स को कैसे फुलफिल करना है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है
कि जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये जब इंडस्ट्रियल पर्पज से हम सोचते हैं तब इस तरीके से आता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज मेक श्योर इट इज ए प्रॉब्लम, नॉट जस्ट ए सिम्पटम ऑफ ए प्रॉब्लम। तो पहली चीज क्या है, आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिम्पटम ऑफ प्रॉब्लम है, कि आपको लग रहा है कि भाई जो मशीन है फीलिंग आ रही है कि ये खराब हो सकती है। नहीं, आपको चेक करना है, आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज सब्जेक्टिव। जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सब्जेक्टिव होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बोल दें कि लेथ मशीन वर्क नहीं कर रही, तो दिस इज नॉट ए सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का क्या मतलब है, अगर आप लेथ मशीन पे थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हो जिसका कि आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो आप क्या हम सब्जेक्टिव क्या करेंगे कि लेथ मशीन पर या जो भी थ्रेडिंग ऑपरेशन हो रहा है उस जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है उसका जो आउटपुट है वो हमारे गिवन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, सो दिस इज प्रॉब्लम। ठीक है, जितना उसके अंदर अगर हम डिटेल देंगे उतनी मतलब अच्छी होगी। तो दिस कैन बी सब्जेक्टिव, नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट, डिस्क्रेपेंसीज कैन बी फाउंड बाई कंपेयरिंग करेंट रिजल्ट विद सम स्टैंडर्ड। अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसका पता कैसे चलेगा, जो करंट रिजल्ट हैं उसको किसी सेट स्टैंडर्ड्स के साथ की, जैसे मान लो कि बोल दिया कि थ्रेड सही नहीं बन रहे, तो थ्रेड सही नहीं कर रहे बन रहे कैसा पता चलेगा, कि आपने कुछ फिक्स कर रखा है कि जो थ्रेड है उसका डायमीटर इतना होना चाहिए। अब आप उस डायमीटर को जो आउटपुट है उसको मेजर करो, अगर वो उससे कम ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजर्स आरंट लाइकली टू कैरेक्टराइज ए डिस्क्रिपेंसी एज ए प्रॉब्लम इफ दे परसीव दैट दे डोंट हैव द अथॉरिटी इंफॉर्मेशन एंड अदर नीड ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या है कि जो मैनेजर्स हैं उनकी अपनी थिंकिंग जो है उसके अकॉर्डिंग भी जो डिफरेंसेस आते हैं वो अपने आप कैटेगराइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि समटाइम वो उनके पास अथॉरिटी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो उसको अवॉइड भी कर देते हैं, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी भी नहीं समझते, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो क्या है, आपको कैसे डिफाइन करना है प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव आप कैसे करोगे, दिस इज प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम के बारे में व्हेन व्हाट व्हाई हु हाउ वेयर। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब अगर हम ढूंढेंगे तो क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम है वो अपने आप सब्जेक्टिव हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट सही नहीं आ रहा, व्हेन कब से नहीं आ रहा, व्हाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपने वहीं पे अगर मतलब थोड़ा सा देखने की भाई पता चले हु कौन वहां काम कर रहा है, कौन इसके लिए ऑथोराइज है, क्या है, हाउ की वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, वेयर कहाँ पर हो रहा है, किस मशीन पे हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो अगर ये इन सारे, जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूरी हो, लेकिन मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हो गए अगर इनका जवाब हम लिखेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो अपने आप सब्जेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया। अब आपको क्या करना है, आपने कोई प्रॉब्लम आपने ले ली, उस प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप डिसीजन लोगे उस डिसीजन को लेने के लिए आप क्या क्या चीज के बारे में सोचोगे, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, सो उसमें क्या है, पहली चीज कॉस्ट जो इन्वॉल्व है कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, किस चीज की रिक्वायर्ड है, रिस्क, सेकंड थिंग कि चांसेस ऑफ फेलियर कितना है, क्या रिस्क है जो आप लोगे, किस तरीके से वो जा सकता है, फेलियर हो सकता है। ठीक है, आउटकम्स दैट आर डिजायर्ड कि क्या आपको आउटकम चाहिए। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो कि डिवाइडेड हैं। इसके अंदर चौथी चीज हम एक फोर्थ वन और ऐड कर सकते हैं कि रिसोर्सेज आपके पास क्या है, विद इन सम रिसोर्सेज भी आपको कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे पास इतने ही रिसोर्स हैं, मेरे को इतने ही रिसोर्स में सोल्यूशन करना है। सो ये बेसिकली तीन चीजें हैं, पहली कॉस्ट इन्वॉल्व, दूसरी रिस्क, तीसरी आउटकम। अब इन तीनों चीजों को आप जब भी कोई डिसीजन क्राइटेरिया ले रहे हो तो इन तीनों चीजें के बेसिस में आपके जो डिसीजन क्राइटेरिया हैं वो नंबर ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया हो सकते हैं, लाइक 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, अपन डेली रूटीन लाइफ से एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। ओके, तो अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है?
हेलो तनन, हेलो। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो नेक्स्ट इज अलोकेटिंग वेट टू क्राइटेरिया। अब क्या होता है, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आपने नंबर ऑफ क्राइटेरिया सोचे हैं, तो हर क्राइटेरिया का अपना अपना वेटेज होता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो डिसीजन क्राइटेरिया आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो सारे के सारे क्राइटेरिया जो हम सोचेंगे वो इक्वल नहीं होते। सो हम क्या करते हैं, हर क्राइटेरिया को एक वेट देते हैं। दिस वेट इज प्रोवाइडेड ऑन लिकर स्केल। तो एक लिकर स्केल होता है जो सब्जेक्टिव थॉट को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने फीडबैक भरा होगा, तो फीडबैक में आपसे पूछा जाता है कि जब जैसे हम फीडबैक भरते हैं, तो कि आपको ये जो जो चीज़ मिली उससे आप की जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत ज़्यादा पूरी हो गई, ठीक ठाक पूरी होगी, नहीं बिल्कुल ही पूरी नहीं हुई। तो आप ऐसी चीज़ भरते हो जिसको कि बाद में कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूज में, कि जो टॉप मोस्ट चॉइस है वो 4 नंबर, देन 3 नंबर, देन 2 नंबर, देन 1 नंबर एंड देन 0। ठीक है, सो हर चीज के अपने बेनिफिट और फायदे हैं, तो उस हिसाब से हम इसको जो वेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेटिव। अब आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया और उनको वेटेज दे दिया, अब आप फाइंड करते हो कि क्या क्या सॉल्यूशन है। सो सिलेक्ट ए वायबल अल्टरनेटिव दैट कुड ऑल्सो रिजोल्व द प्रॉब्लम। तो जो मैनेजर्स हैं उनका काम होता है कि वो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव देखिए जो प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी इफेक्टिव है दिस स्टेज। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली यही होता है कि 2, 4, 5, 7 लोगों की टीम होती है जो कि सम बट रिलेटेड होते हैं विद द फील्ड। वो लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं, तो जो भी आइडिया हो, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक चीज ध्यान रखने की होती है, क्रिटिसिज्म मस्ट बी प्रोहिबिटेड। वहां पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। मतलब अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कुछ भी, एक बार तो उसको नोट डाउन ही करना है। वो अपने आप जो हमने क्राइटेरिया दिया है, जो अल्टरनेटिव दिया उसके हिसाब से हम सोचेंगे, वो अपने आप निकल जाएगा। कि अगर मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, उसके अंदर पता चले कि करोड़ों रुपए लगने हैं, मतलब बहुत ऐसा आइडिया है, तो जब हम उसके अंदर कॉस्ट का टॉपिक, कॉस्ट का क्राइटेरिया इन्वॉल्व करेंगे, तो वो अपने आप उसको हट जाएगा। ठीक है, तो एनालाइज दी अल्टरनेटिव्स। अब आपको क्या करना है, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको देखना है कि वो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, एनालाइज करना है जो क्राइटेरिया के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो भी आपने क्राइटेरिया दिया था, जो वेट दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे। तो एक एक जो आइडिया है वो रिमूव होता जाएगा और फाइनली हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लेंगे। जैसे इस पर्सन ने जो सबसे अच्छा दिखने वाला एप्पल है उसको वो चूज कर रहा है। ओके, अब इसके लिए, यहां तक के लिए हम ये देखते हैं कि अगर इस चीज को मैथमेटिकली अप्लाई करना हो या इसको समझना हो कि मैथमेटिकली कैसे अप्रूव होगा, तो ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है जो कि हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि ये क्या प्रॉब्लम है और क्या करने की कोशिश की गई है? एनीवन? हेलो, यस सर। क्या कोई बता सकता है सर? ये जो सामने टेबल दी गई है कुछ समझ में आ रहा है क्या है? ये क्या लिखा हो सकता है, क्या करने की कोशिश की गई है जो मैंने अब तक जो आपको बताया उसके रिगार्डिंग? यस सर, कोई व्हीकल खरीदने के लिए उसकी प्लानिंग की गई है। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र सिंह। गुड नरेंद्र। ठीक है, सो ये क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि एक व्हीकल परचेज करना चाहती है। सो उसके पास तीन अल्टरनेटिव है, व्हीकल ए, बी और सी। वो तीन तरीके के जो व्हीकल हैं वो चूज करना चाहती है। अब आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपके क्या क्राइटेरिया है। तो आपके क्या क्राइटेरिया रहेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज प्राइस, देन फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने बताया था आपको, कॉस्ट, रिस्क और आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली जो दो चीजें ली हुई है वो तो रिलेटेड है कॉस्ट से, परचेज प्राइस एंड फ्यूल कंजम्पशन, तो ये तो रिलेटेड होगी कॉस्ट से। सेकंड वन इज रिस्क, जो मैंने वहां पर बताया था। रिस्क यहाँ पर वो टर्म है जो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, रिस्क है कि जब आप गाड़ी को चला रहे हो तो उसके कितने एक्सीडेंटल चांस है, कितना उसका ब्रेकडाउन होने का चांस है। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो रिलायबिलिटी, और अगर मान लो ब्रेक डाउन हो जाता है तो कितना इजीली हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, ये सब चीजें रिलायबिलिटी में आती हैं। तो ये वहां पर जो हमने कंसर्न किया था वो रिस्क है। सेकंड वन आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा, अवेलेबल स्पेस की गाड़ी में कितनी जगह है। सेकंड वन इज इंजन पावर की कितना होगा। लेकिन अब अगर हम देखें दूसरी चीज, हमने क्या बात की थी, हर क्राइटेरिया को हम वेट देंगे कि कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने जो क्राइटेरिया फ्यूल कंजम्पशन को 6 नंबर दिया, यानी कि मोस्ट वेट दिया है। क्यों दिया है, माइट बी दिस पर्सन इज परचेजिंग फॉर सम कॉमर्शियल पर्पज, कि जिसको है कॉमर्शियल पर्पज से खरीदना है। तो कॉमर्शियल पर्पज में हमेशा ये देखा जाएगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए कोई ऐसी गाड़ी परचेज की जाए जिसका फ्यूल कंजम्पशन कम हो। ठीक है, तो इसने 6 क्राइटेरिया दिया। सेकेंड थिंग परचेज प्राइस को दिया इसने 5 नंबर, तो सेकंड थिंग क्या आता है कि जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदना है। फोर्थ वन रिलायबिलिटी, की रिलायबिलिटी का मतलब लॉन्ग रन चलना चाहिए विदाउट फेलियर, तो रिलायबिलिटी। अब इसने क्या किया है, फिर उसके बाद इसने अवेलेबल स्पेस को क्राइटेरिया दिया है। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इस जो पर्सन को चलाना है वो 1 और 2 पीपल के लिए चलाना है, या कोई थोड़े बहुत जो गुड्स हैं उनको इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए चलाना है, तो इसने। ठीक है, नेक्स्ट इसने इंजन पावर जो आउटपुट है उसको लीस्ट वेट दिया है। क्यों, माइट बी उसको कोई पावरफुल गाड़ी नहीं चाहिए, उसको कोई तेज गाड़ी नहीं भगानी। ठीक है, उसको एक सिंपल वे में उसको रन करना है स्मूथली, तो इसलिए उसने इंजन पावर को बहुत कम क्राइटेरिया दिया। ठीक है, तो ये हमने इसको वेट दे दिया। तो हमारे दो जो स्टेप हैं, मतलब स्टेप तीन पूरे हो गए। पहले आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, हमें व्हीकल खरीदना है कॉमर्शियलाइज पर्पज से खरीदना है। सेकंड वन हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, थर्ड वन उनको वेट दे दिया, फोर्थ वन आपने अल्टरनेटिव चूज करने हैं। अब आपको मार्केट के अंदर जाना है, मार्केट से देखना है कि कौन कौन से व्हीकल हैं जो मुझे परचेज करने हैं। सो उसने तीन कंपनीज के या तीन जो व्हीकल है टाइप ए बी सी, ये तीन अल्टरनेटिव ले लिए। अब उस अल्टरनेटिव के लिए उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर व्हीकल ए अल्टरनेटिव के उसने रिव्यू लिए, उसने पता किया, और उसने ईच क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको रेटिंग दी कि जो वो व्हीकल है उसका कितना अच्छा है। तो परचेज प्राइस 6, यानी कि उसका जो परचेज प्राइस कम है। तो ये जो रेटिंग है ये नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड में हो सकती है। तो मैक्सिमम जब नेगेटिव का है, जैसे परचेज प्राइस है, तो 6 का मतलब ये है कि इसका जो परचेज प्राइस है वो कम है रिगार्डिंग बी और सी, जो इसने 4 और 3 दिया। 6 का मतलब ये नहीं है कि जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी में अगर कोई 6 नंबर देगा या 5 दिया है तो इसका मतलब ये मोस्ट रिलायबल है। तो यहाँ पर हमने रेटिंग दी 6, 3, 4, 3, 2 फॉर व्हीकल ए, इसी तरीके से व्हीकल बी के लिए, फिर व्हीकल सी के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी जो भी रिजल्ट हमें लेना उसके लिए क्या करते हैं, इस रेटिंग को इस वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 5 30, 3 × 6 18, इस तरीके से सबको किया और इसको एक टोटल किया। तो व्हीकल ए का जो पॉइंट्स हैं वो आए 77, व्हीकल बी के पॉइंट आए 80, व्हीकल सी के पॉइंट आए 74। तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके हैं, व्हीकल बी के। सो ये जो है हमारा डिसीजन होगा। अब देखो यहाँ पर किसी को कुछ कुछ पूछना हो इस टेबल के बारे में, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो हम एक नेक्स्ट स्टेप लें उससे पहले। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, यस या नो तो बोलो। नो सर। ओके, तो
यहाँ पर हमने लिया। अब देखो क्या होता है, जो धीरे 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 डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो टिल टूडे बहुत एक अच्छे लेवल तक चली गई है। उसमें क्या है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ये मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये जो अपन ने जो टेबल आप देख रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट मेथड टू टेक ए डिसीजन। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें हमें पता है कि कुछ गलती हो सकती है, वेट आपने दिया, ये दिया, तो अब एक नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आ गए जिसमें कि इवन दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो है वो इन्वॉल्व हो गया। वहां पर नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं लाइक तो मैट जीए जेनेटिक एल्गोरिथम, प्रैक्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, टीचर लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके के बहुत से नाम हैं। तो वो एक अलग फील्ड है जिसको MADM कहते हैं, मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इन्वॉल्व हो गए। उसमें आप क्या करते हो, सब्जेक्टिव डेटा लेते हो, तो सब्जेक्टिव डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल डेटा कन्वर्ट में नंबर ऑफ रिपीटेशंस होते हैं कैलकुलेशन के, देन फाइनली एक हम रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि मतलब हम ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से वो ऑप्टिमाइजेशन का जो वे है वो मैथमेटिकल टर्म होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग दी दिस डिसीजन। अब जो आपने डिसीजन ले लिया, यहाँ तक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस खत्म नहीं होती कि आपने क्या किया, फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मुझे व्हीकल बी है जो परचेज करना है। डिसीजन मेकिंग कहाँ तक चलेगा, उसके लिए दो स्टेप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, लास्ट में जो है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन इज इम्पोर्टेंट। सो जो भी आपको मिला उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है और उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इन्वॉल्व मोर देन गिविंग द अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। तो इम्प्लीमेंटिंग ज्यादा जरूरी है रादर की सिर्फ आप ऑर्डर दे दो कि ये चीज, ये वर्क हमें करना है। रिसोर्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे और जहां पर नेसेसरी उसको अलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो डिसीजन आपने लिया था वो सही है कि नहीं। तो सम सॉर्ट ऑफ एक्शन या आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो डिसीजन हमारा जो हमने लिया वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को, आउटकम को, किससे, वो किसी पुरानी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई, जो हमारा आउटपुट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको हम, अगर मान लो वो नहीं ओके आता है तो हम जो अपनी प्रॉब्लम है उसको रीअसेस करते हैं, और फिर जो ये पूरी प्रोसेस है डिसीजन की जो 8 स्टेप थे वो अगेन हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो हमारे पास बस 2 और 3 स्लाइड्स और रिमेनिंग है, सो वी विल कंप्लीट इन विद इन आवर टाइम। ठीक है, तो फैक्टर क्या क्या है जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो नंबर 1 चीज इज टाइम प्रेशर्स। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन किस चीज से मोस्ट इन्फ्लुएंस होती है, कि जो डिसीजन मेकर है उसके पास कितना टाइम है डिसीजन लेने के लिए। कि एक तो उसको बोला कि 10 मिनट में आपको बताना है, इन्हें 1 डे, इन्हें 2 डे, तो उसको जितना टाइम रिक्वायर, जितना टाइम चलता जाएगा तो वो उतनी रिसर्च अच्छी करता जाएगा। मतलब एक फिक्स टाइम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंगली जो टाइम है, अगर एकदम से क्विक डिसीजन लेने होंगे तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि उसको अपनी मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, उसको अपने थिंकिंग की, उसके मन में क्या आ रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अगर टाइम ज्यादा होगा तो वो प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, तो उस तरीके से आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैनेजर्स मस्ट मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन टाइम फ्रेम एस्टेब्लिश बाय अदर्स। तो जो डिसीजन लेने वाला होगा उसको कोई ना कोई बोलता है कि भैया 2 दिन में ये रिजल्ट, ये चीज करके बता देना। तो सम टाइम वो क्या करते हैं कि अगर टाइम कम होता है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन और जो पूरे फैक्ट हैं या जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन जितने भी हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण भी डिसीजन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, मैनेजर्स वैल्यू। सो जो मैनेजर्स है वो, उसका जो थिंकिंग है, जो मैनेजर्स की खुद के जजमेंट्स हैं, जो उसके लाइक्स हैं, जो डिसलाइक्स हैं, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जो मैनेजर्स हैं वो
डिसीजन मेकर्स हैं जो वो ऐसे होने चाहिए जो अनबायस्ड होने चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बायस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो मैनेजर्स सिग्निफिकेंट इन्वेंट। सेकेंड वन, डिसीजन मैनेजर्स मेक इन आइडेंटिफाइंग देयर मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। तो जो भी डिसीजन मेकर है वो जो डिसीजन ले रहा है उसको ये ध्यान में रखते हुए लेना पड़ेगा कि क्या कंपनी का मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या जो उसकी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, डिसीजन को क्या क्या चीजें करती हैं, पॉलिसीज की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है। तो कुछ ना कुछ लिमिट रहती है, जैसे कि मान लो किसी की पावर लिमिट है कि हमें सोलर एनर्जी को यूज करना है, तो माइट भी कोई मशीन है जो कि उतना वोल्टेज नहीं ले सकती, ठीक है। कुछ लोगों का मान लो कि कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी है कि भाई जो हमारा वेस्टेज है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कुछ मान लो न्यूक्लियर वेस्ट की अगर कोई खिलाफ है तो मतलब आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है वो भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, सो डिसीजन दैट आर क्लियरली वायलेटेड द पॉलिसी विल बी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो जब डिसीजन हम ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का ध्यान रखेंगे, तो जो पहले ही है हमारा अल्टरनेटिव जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, वायलेट कर रहा है, वो हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, सो दीस आर वी कैन से ज्यादा इफेक्ट इनका नहीं होता पर थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है उन पुराने वाले तीन के अलावा। देन फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपने डिपार्टमेंट में तो अदर डिपार्टमेंट का भी उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है कि आपने अगर ये किया तो वहां क्या इफेक्ट होगा। सेकेंड वन, हायर मैनेजमेंट एटीट्यूड। आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, आप मिडल मैनेजमेंट में हो, आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हायर मैनेजमेंट है उसकी थिंकिंग क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। पर्सनल रिक्वायर्ड्स, कितने लोग चाहिए, कितने लोगों को हटाना पड़ेगा, कितने नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो भी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। बजट, बजट तो है ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। कॉस्ट है तो वो जरूरी है। सबऑर्डिनेट रिएक्शंस, जब आपने अपर मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हुए ध्यान रखा तो आपको अपने नीचे वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो तो आपसे जो नीचे वाला पर्सन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो ये है फैक्टर जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो ये बुक है, सो थैंक यू। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लो, इससे मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एनीवन हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस। नो सर। ओके, तो मैंने कल आपके साथ जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो आप उसमें से देख सकते हैं, और जो आज वाला है ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी एक बार 2 मिनट एडेड रहना, कोई जाना नहीं।